क्या कभी आपने देखा किसी ने अपनी छत के ऊपर 40 लाख रुपए लगा दिए हो? ऐसी छत आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, आपका भाई दावे के साथ कह रहा है। ये देखिए, ये हो गई है जी शुरुआत। 40 पेटी में छत को बना दिया जन्नत। यहाँ पे स्टीमर लगा हुआ है, इसमें आप नहा सकते हो, शावर वगैरह है। जब बारिश आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये अपने काम किसी दिल्ली के किसी बंदे से करवाया या फिर इंडिया से बाहर से बंदा आया था? अभी आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी छत पे। अब एक नई जगह पे लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए। आप ऐसी जगह आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो किसी बड़े थिएटर से कम नहीं है। छत के ऊपर ही आप लीजिए थिएटर का मजा। भाई साहब मैं कह रहा हूँ घर पे ही सारे मजे हैं। जब भी मैं यहाँ के वीडियोस डालती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कैफे कहाँ पर है, तो मैं बोलती हूँ मेरा टेरेस है। और मेहनत करो, पैसा कमाओ, ये सबके लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हो, मैं वो दिन याद करती हूँ कि मेरे पास भैया किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। दोस्तों शौक बड़ी चीज है, आपने घर के टेरेस बहुत देखे होंगे, छोटी सजावट, बड़ी सजावट, उससे बड़ी सजावट। क्या कभी आपने देखा किसी ने अपनी छत के ऊपर 40 लाख रुपए लगा दिए हो? अपनी छत को सजाने के लिए 40 पेटी लगा दियो? तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऐसी छत जिन भाई साहब के शौक तो बहुत ही तगड़े हैं, उनकी वाइफ ने ना डबल खर्चा करवा दिया। वो तो लगा रहे थे 20 लाख रुपए, लेकिन बीवी ने उनकी बोला नहीं 20 पेटी और लगेगी और छत को बनाऊंगी मैं जन्नत। ऐसी छत आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, आपका भाई दावे के साथ कह रहा है कि किसी घर पे आपने ऐसी छत देखी हो। घर के ऊपर जन्नत का नजारा किसी कैफे से कम नहीं है, किसी क्लब से कम नहीं है, किसी गार्डन से कम नहीं है। मैं कह रहा हूं तहलका छत। ये देखिए आप, ये देखिए, ये हो गई है जी शुरुआत। ये छत पे पैसा दबा के लगा रखा है और ऐसी फीलिंग दे रखी है कि आप गोवा में हो, गोवा में। ये देखिए आप, या ऐसा लगेगा आप किसी कैफे में हो। ये देखिए 40 पेटी में छत को बना दिया जन्नत। भैया ये आइडिया कैसे आया पहले तो ये बताओ मेरे को आप। सुन्नी जी आप ऐसे मत करो, 40 लाख नहीं है, 40,000 रुपए में ये छत मैंने सजाई है अपनी मेहनत से। एक बार देखो आपका दिल खुश हो जाएगा। भैया 40,000 नहीं है, 40,000 रुपए में। ऐसे मत करो भैया, सच है, सच 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 होता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ छत पे ना। आपने बहुत कुछ करवा रखा दीदी, देखो भैया पैसे छुपा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो आपने ये झलक देखी है, अब ये बात करेंगे। दीदी ये क्या है अंदर? ये भैया अभी हमारा अभी खाने का ऐसे डाइनिंग सा कर रहे हैं जी, तो अभी बस ऐसे ही है। यहाँ पे स्टीमर लगा हुआ है, इसमें आप नहा सकते हो, शावर वगैरह है। अच्छा जी जी। और यहाँ पर आपका बैठने का है भैया, आप आराम से चाय वाय पियो, जब बारिश आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ओके। और यहाँ से पानी आता है भैया, यहाँ डांस करता वो वापस चला जाता है। ओके आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। और ये बॉर्डर है हमारा, यहाँ से वहां तक का ये बॉर्डर आप क्रॉस। ये बहुत सुंदर लगा, ये बहुत सुंदर लगा। ये अपने काम किसी दिल्ली के किसी बंदे से करवाया या फिर इंडिया से बाहर से बंदा आया था? भैया करा तो दिल्ली के बंदे से था, बट कुछ कुछ इसमें अपना भी तड़का लगाया हुआ भैया। अच्छा, खुद का माइंड भी लगाया जी भैया। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों छत को बना दिया है जन्नत, अभी आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी छत पे जो शायद ही आपने आज से पहले किसी घर में देखी होगी। ये दीदी ये क्या है बताएंगे आप कुछ इस बारे जी? हमारा ओपन बार है, ओपन सीटिंग है, तो हम आराम से यहाँ ड्रिंक करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब हमें लड़ाई करने का मन नहीं होता, यहाँ भी बैठ के यहाँ पर गाने गाते हैं और खाना खाते हैं और लड़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर खूब लड़ाई करने के बाद अब एक नई जगह पर लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए। आप ऐसी जगह आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो किसी बड़े थिएटर से कम नहीं है। छत के ऊपर ही आप लीजिए थिएटर का मजा। ये देखिए आप, हम जब ज्यादा लड़ने से बोर हो जाते हैं तो आराम से यहाँ बैठ के मूवी देखते हैं। ये हमारा थिएटर है, छोटा सा, लड़ाई के बाद प्यार करने का तरीका। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं थिएटर कितना शानदार है, गजब है। ये वो सीटें हैं जो आराम से आप लेट सकते हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं। बहुत मोटा खर्चा किया भाई, ये देखो ना स्क्रीन तो देखो आप, थिएटर पे जाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ घर पे ही सारे मजे हैं, घर पे ही क्लब है, घर पे ही बार है, घर पे ही थिएटर है। भैया कमी किस चीज की रहेगी? एक बारबेक्यू लगा रखा है हमने जो कमी पूरी करने के लिए। अच्छा जी, कमी रहेगी इनकी गर्लफ्रेंड की है? कमी रहेगी इनकी गर्लफ्रेंड की। परमिशन दे दी आपने? नहीं नहीं, वो शादी हो गई तो असर मर गई। ओ तेरी
और ये अंदर अंदर आप क्या बनाने वाले हो, ये बताओ, ये किचन है हमारी। अच्छा, आपका प्रॉपरली माइक्रोवेव रखो, जो मर्जी खाना वाना मंगाओ, ऊपर खाओ डिस्पोजेबल के अंदर। ओके, वॉशरूम भी है, ऊपर ही सब खाओ, पार्टी करो। ये बॉनफायर है, सर्दियां आ गई, गर्मियां है, तो ये फैन लगाया हुआ है। मतलब घर की छत पे सिनेमा हॉल भी है जी, घर की छत पे तगड़ा कैफे है जी, तगड़ा बार है। जब भी मैं यहाँ के वीडियो डालती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कैफे कहाँ पर है, तो मैं बोलती हूँ मेरा टेरेस है। अच्छा, ये लड़ने लग जाती है, इसको मैं परांठा खिला देता हूँ इसका मुंह बंद करने के लिए। देखो ये देसी परांठा दादी अम्मा के जमाने का। क्या बात है, क्या बात है, खिलाओ जी खिलाओ, बहुत बढ़िया, ओए होए जबरदस्त, लड़ाई बंद। देखो इतने साल। अच्छा दीदी, ये पैसे का रास्ता बताओ, पैसा आता कहाँ से है? कुछ बात भैया ने एक बात बताई थी, भैया बताएंगे, भैया दराना एक बार ये मैटर बताओ एक बार। भाई ये गोल्ड के नेल्स हैं, ये कुदरत की देन है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। हम इसको प्यार की भाषा से पानी पिलाते हैं, फिर थोड़े बढ़ जाते हैं, हम काटते हैं, थोड़े से बड़े पैसा कमा लिया, थोड़े से बड़े तोड़ लिए पैसा कमा लिया, तो ये जो कुछ बना है इसी की बदौलत बना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, अभी 4-5 साल तक तोड़ना मत, फिर कम से कम वो रॉयल्स रॉयल आ जाएगी 5-6 करोड़ की। वो ही हमने सोचा है, यही सोचा है। अच्छा जी, लंबोर्गिनी लाने की सोच रहे थे, फिर कह रहे कलर पसंद नहीं आया, तो कह रहे नेल बड़ा कौन सा जाएगा ये बताए, तो मैंने बोला ये वाला, बोले ठीक है। अच्छा जी, जी भैया। तो दोस्तों ये भी सब बनाया, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको ये प्यारा सा टेरेस जिसको बना दिया दीदी ने, तहलका टेरेस। और तहलका भैया की जय, तहलका भैया जय। तो भैया ये गर्मियों में एक पंखा बहुत है अपने लिए, बहुत है जी। अच्छा जी, मियां बीवी की लड़ाई को शांत करना होता है, ठंडक आ ही जाती है। क्या बात है यार। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि मजा आ गया, मेरे को तो मजा आ गया। और मेहनत करो, पैसा कमाओ, ये सबके लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, माता पिता का नाम रोशन करो। मेहनत करके आप इससे भी बढ़िया बहुत कुछ बना सकते हैं, मेहनत से पता नहीं क्या से क्या नहीं कर सकते आप। इन्होंने भी मेहनत करी है, दिल से करी है, जमीन से उठे हैं। आप भी मेहनत करके पैसा कमाओ, इससे बढ़िया जन्नत बना सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, मेहनत करो। माता पिता जो आपको कोर्स करवा रहे हैं, आपको जो पढ़ाई करवा रहे हैं, उसको लगन से करो, इससे बड़ी जन्नत हासिल कर सकते हो आप। ये बहुत छोटी सी मैंने आपको चीज दिखाई है, इससे बढ़कर 10 गुना कर सकते हो आप, मेहनत से जी, लगन से, दिल से, नीयत साफ। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हो, मैं वो दिन याद कर दूंगी, मेरे पास भैया किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे जी जी, लेकिन भगवान ने आज नीयत से, बरकत से आज यहाँ तक पहुँचाया, सिर्फ नीयत और अच्छे कर्म की वजह से। क्या बात है दीदी, सब मेहनत करो, मैं कहती हूँ इतनी बरकत है ना भैया, उससे बढ़कर। एक टाइम दीदी वो था ना जब कुछ भी नहीं था आपके पास भैया, मतलब ये था कि मतलब आप ये लगाइए कि रेंट था 3000 रुपीज, वो देने के लिए मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं ये सोचती कि 10 तारीख आने वाली है, 2800 रुपए हुए हैं, कहीं से 200 रुपए आ जाए, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं किया कि अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक मेरी माता रानी ने मुझे पहुँचाया भैया, क्योंकि दीदी दिन रात आपने एक कर दिया, सिर्फ मेहनत। मैं कहती हूँ हर बंदा मेहनत करे भैया, जो रात को सुकून मिलता है ना उस पैसे का, मैं कहती हूँ उससे बढ़कर भैया कुछ नहीं है जी जी जी, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है जी। तहलका मचाता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, आपके भाई का इंस्टा हैंडल आ रहा, एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेगी, जल्दी से जाओ इंस्टा को फॉलो करो, एक से बढ़कर एक यूनिक वीडियोस इंस्टा पे आपके भाई को, आपके भाई की देखने को मिलेगी। सही है भैया, आपकी भी मेहनत है आज देखो जी। मैं कहती हूँ कि जितने भी मेरे पास ब्लॉगर्स आते हैं जी जी जी, वो लोग कहते हैं जी 2-3 मिलियन के हम हैं, जी 4 मिलियन के, आज तक कोई नहीं आया, लेकिन माता रानी की कसम जहाँ से मैं निकलती हूँ एक एक बंदा जानता सिर्फ बिकॉज ऑफ यू। अरे दीदी लव यू, मैं जहाँ से निकलती हूँ एक एक बंदा कहता तहलका भाई की जय। क्या बात है दीदी, मतलब जहाँ निकल जाओ ना, जो आपकी प्रमोशन है उसके आगे सबकी 0% है भैया। अरे दीदी लव यू, यू आर नंबर 1। क्या बात है दीदी, आई लव यू दीदी, लव यू मेरा भाई, सही है। ओ तेरी, तहलका मचाता रहूंगा, दीदी को हंसाता रहूंगा और बार बार आता रहूंगा। चलो जी, बाय बाय। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।